तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि जब भी हमारे पास एंगल मोर देन 360 डिग्री है तो उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज ये हमारे पास एग्जांपल है साइन 750 डिग्री मोर देन 360 है, इसका मतलब एक राउंड से ज्यादा लिया गया है। तो हम लोग ये देखते हैं कि कितने राउंड हमें कंप्लीट रोटेशन लेके आगे बढ़ा गया है। तो सपोज 750 आपका है, 750 आपका जो एंगल होगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से आया होगा, ठीक है। हम ये जानने में इंटरेस्ट रखते हैं कि कितनी बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लिया गया है, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट किया गया है या रोटेट किया गया है रेफरेंस लाइन से। तो अगर एक चक्कर हम कम करते हैं तो एक चक्कर कम करने का मतलब हुआ एक रिवोल्यूशन पीछे आते हैं। एक रिवोल्यूशन पीछे आने का मतलब हुआ कि आपके पास कितना बच जाएगा एंगल, जीरो, यहाँ पे आ जाएगा अपन 9 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 3। अगेन एक रोटेशन और हम पीछे आते हैं, एक रोटेशन और पीछे आते हैं तो हमारे पास 30 डिग्री होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो 750 डिग्री था, ये मान लीजिए आपकी, ये आपकी रेफरेंस लाइन है। अगर ये आपका रेफरेंस लाइन है तो ये आपका हो गया, सपोज ये एंगल आपका हो गया 30 डिग्री। लेकिन 30 डिग्री जाने का मतलब क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि ये 30 तो रोटेट किया ही गया है, लेकिन यहां से एक रोटेशन आप कंप्लीट करोगे तो जो ये एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 360 + 30, या यूं कहें 30 + 360। और अगर हम लोग एक रोटेशन और लेते हैं तो एक रोटेशन और लेने का मतलब हुआ कि एक 360 डिग्री और हमने इसमें ऐड अप कर दिया, जो कितना बन गया, ये बन गया आपका 750 डिग्री। अब यहाँ पे हमने 360 सब्ट्रैक्ट किया है। 360 सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ, 360 सब्ट्रैक्ट करने का मतलब हुआ कि जो ये 720 था इसमें से एक रोटेशन हमने क्या किए, हटा दिए, एक रोटेशन आप वापस आ गए। तो ये एक रोटेशन आप यहाँ पे वापस आ गए। अभी भी फिजिकली कहाँ हो आप, अभी भी फिजिकली आप 390 डिग्री पे हो। लेकिन अगर एक रोटेशन और कम कर दो, एक रोटेशन और कम करोगे तो ये रोटेशन आपका क्या हो गया, कम हो गया। जब ये रोटेशन कम हो गया तो आर्म अभी फिजिकली वहीं पे है, ठीक है। इसका मतलब कि जो 30 डिग्री की वैल्यू होगी, साइन हम ये कह सकते हैं कि साइन जो 750 की वैल्यू होगी, दैट इज सेम एज साइन ऑफ 750 - 360, क्योंकि एक रोटेशन हम पीछे आ गए हैं। पीछे आने का मतलब क्लॉकवाइज आए हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज एंगल हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। तो ये इक्वलेंटली कितना हो गया आपका, ये इक्वलेंटली हो गया साइन ऑफ 390। अब चूंकि अभी भी एंगल ये 360 से ज्यादा था तो एक रोटेशन हम और पीछे आए, इसका मतलब कि दैट इज सेम एज ए साइन ऑफ 390 - 360। और फिजिकली हम वहीं पे हैं, ये आ गया आपका साइन 30 के इक्वल। इसका मतलब कि साइन 750 भी फिजिकली यही आर्म है, और साइन 390 भी यही आर्म है, और साइन 30 डिग्री भी सेम प्लेस पे आपकी एंगल की आर्म है। ये तीनों ही वैल्यूज बराबर होंगी, तो हमें तो इसके बारे में पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। इसका मतलब कि जो 1/2 है वो साइन 30 की भी वैल्यू होगी, 1/2 साइन 390 की भी वैल्यू होगी, और 1/2 साइन 750 की भी वैल्यू होगी। तो हमारी साइन 750 की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी आ गई 1/2, ठीक। तो इसको आप एक स्टेप में कैसे करोगे, आप एक स्टेप में सोचो, अगर हम ये जो दो बार हम पीछे आए हैं, ठीक है, इसको एक ही बार में हम लोग कर लिया जाए। अगर इस तरह से लिखें हम, वर्किंग हमारी रहे 750 दैट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 750 माइनस 2 into
360 क्यों? क्योंकि दो बार हमें पीछे आना है, तब जाके जो एंगल होगा वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 0 से 360 में कुछ आप फाइंड आउट कर लोगे। तो ये आ गया आपका साइन ऑफ 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो ये आपकी वर्किंग होगी कॉपी में, ठीक है। लेकिन अगर आपको आइडिया लेना है कि हमें यहाँ 2 करना है या 3 करना है, तो आप स्मूथली एक एक स्टेप करके आप सो सकते हो रफ में, ठीक। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर करते हैं, कॉस ऑफ -1710 डिग्री, ठीक है। अब इसको देखते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल नेगेटिव है। नेगेटिव एंगल कैसे आया होगा? जब रोटेशन क्या रहा होगा, रोटेशन रिफरेंस लाइन से, ये जो रिफरेंस लाइन है आपकी, इस रिफरेंस लाइन से क्लॉकवाइज रोटेट किया गया होगा, क्लॉकवाइज रोटेट किया गया होगा। तो ये एंगल आपका कितना आया होगा, 1710 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से रोटेट किया गया होगा। अब हमें ये देखना है कि किसके कितने रोटेशन, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वापस अगर करना है तो वापस करने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज आना पड़ेगा। जब एंटी क्लॉकवाइज आने का मतलब क्या हुआ कि हर बार 360 आप एडअप करते जाओगे, एक रिवोल्यूशन पीछे आने का मतलब होता है 360 आप क्या करोगे, ऐड करोगे। जैसे 1710, अगर हम एक रिवोल्यूशन अगर हम पीछे आते हैं 360 डिग्री, 360 डिग्री, तो हमने इसमें एडअप कर दिया। एडअप करने का मतलब क्या हुआ कि हम एक रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो गए। एंटी क्लॉकवाइज होने का मतलब एंगल हमने क्या कर लिया, एडअप कर लिया। तो ये कितना आ जाएगा, आप एक्चुअली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो 0 हुआ। यहाँ से एक कैरी करेगा यहाँ पे, तो ये यहाँ से एक लेगा, तो ये क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 - 6 - 5 आएगा। और ये क्या हो चुका है, ये हो चुका है 6 - 3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 1 बचेगा, ठीक है, माइनस का 1 3। लेकिन अभी भी आप एक रोटेशन फिर पीछे आओ, जब एक रोटेशन आप फिर पीछे आओगे तो कितना हो जाएगा आपका, अगेन सब्ट्रैक्ट करो, अगेन सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ आ गया 0, फिर यहाँ पे आ गया 9, ठीक है। नेक्स्ट आपका 2, 12 - 3 = 9। फिर आप एक रिवोल्यूशन पीछे आओ 360, तो क्या होगा आपका, दैट इज 0, 3 and 6 माइनस का। अभी भी एक चक्कर पीछे आएंगे हम लोग 360 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी 0, यहाँ से 13 से 6 जाएगा आपका 7 बचेगा, एंड 5 से 3 गया 2, तो ये आपका आ गया -270, ठीक है। और अगर हम एक चक्कर और हम लोग पीछे चले जाएं, तो एक चक्कर और पीछे जाते हैं तो -270, अब प्लस क्या आपका है 360 है, तो अभी तो पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये छोटा है, दोनों की साइन अपोजिट है, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमें इनका ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा ऊपर नीचे करके, कि जो बड़ा होता है उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं हमेशा, तो जो मैथमेटिकली है वो हम लोग ऐसे करेंगे। तो ये आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा आपका 9, और देन यहाँ पे कुछ नहीं होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनली 90 डिग्री आ गया। तो आपने कितना कितना रोटेशन पीछे आया आप, तो या आपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कितना लिया, एक रोटेशन यहाँ पे, एक रोटेशन दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, और चौथा आपका यहाँ पे, एंड फिफ्थ रोटेशन यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो ये 5 रोटेशन जब आपने उल्टा है, मतलब पहले जो ये एंगल मेजर किया गया था, ये जाहिर सी बात है निगेटिव है, निगेटिव का मतलब क्या हुआ, ये जो एंगल का मेजरमेंट था ये क्लॉकवाइज था, तो आपने उसको वापस कवर करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज पीछे आए, जो 360 आपका एडअप होता हुआ चला गया। इसका मतलब कि अगर आपको कॉपी में दिखाना है तो कैसे दिखाओगे, कॉस ऑफ -1710 प्लस कितने रोटेशन 360 के 5 रोटेशन, ठीक है, ये हम लोग इसमें एडअप कर देंगे। जब एडअप करोगे आप तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 90 के इक्वल आ जाएगा, और कॉस 90 की वैल्यू तो सबको पता होती है, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक। इसका मतलब कॉस ऑफ -1710
ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर करते हैं, हमारे पास टेन 19 पाई बाई 3 है। ठीक है, अब यहाँ पता है कि एंगल डिग्री में नहीं है, यहाँ एंगल क्या है, रेडियन में है, जिसमें पाई की वैल्यू हम लोग जानते हैं पाई रेडियन होता है। ठीक है, और पाई रेडियन की वैल्यू डिग्री में कितनी होती है, 180 डिग्री। तो हमें रेडियन में आदत डालनी चाहिए, क्योंकि आगे जो हमें कैलकुलेशंस करनी है, हमें सोचना है, वो सारे रेडियन में आने वाले हैं। तो डिग्री, अब तक जो हमारे पास 9 10 हम लोग पढ़ते आए हैं, उसमें क्या पढ़े हैं, डिग्री में पढ़े हैं, ज्यादा कंफर्टेबल है। लेकिन आप अपने आप को अब धीरे धीरे कंफर्टेबल बनाइए रेडियन में। रेडियन के लिए आपको पता होना चाहिए कि 0 डिग्री ये क्या होता है आपका, 0 रेडियन हो गया। लेकिन 30 डिग्री जो है ये आपका पाई तो क्या होता है, 180 होता है। अगर 6 से डिवाइड कर दे 180 को, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, मतलब 30 डिग्री कहिए या पाई बाई 6 रेडियन कहिए, 45 डिग्री कहें या फिर हम लोग क्या कर लें, पाई बाई 4 रेडियन कह लें, इसी तरह से 60 डिग्री कह लें या फिर पाई बाई 3 रेडियन कह लें, 90 डिग्री कह लें या फिर हम लोग पाई बाई 2 रेडियन कह लें। अब हमारे पास सपोज 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री कह लें से पहले 120 आ जाएगा, 120 डिग्री कह लें, या 120 60 का डबल है, और 60 आप क्या लिखते हो, पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 का डबल, पाई बाई 3 60 है, तो इसका डबल कर दीजिए 2 पाई बाई 3। इसी तरह से 150 आता है, तो 150 डिग्री, तो ये 30 डिग्री का क्या है, 5 टाइम्स है, तो 30 डिग्री आपका क्या है, पाई बाई 6 है 30 डिग्री, तो इसको आप क्या 5 टाइम्स 5 पाई बाई 6 कह सकते हो। इसी तरह से आपका 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री को आप क्या कहोगे, पाई रेडियन। तो ये सारी वैल्यूज क्या हो गई आपकी, डिग्री में हो गई। तो ये जो मोस्ट कॉमन है, जो हम लोग यूज करते हैं बार बार, और ये उन्हीं का क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग रेडियन, इजी है कन्वर्ट करना, लेकिन ये आपको बार बार जरूरत पड़ेगी। तो अब हमें देखना है कि ये 19 पाई बाई 3 है, और 19 पाई बाई 3 का मतलब 3 6 18, तो ये 6 पाई से कुछ ज्यादा है। 6 पाई का मतलब कि जब आप ये कहते हो इक्वलेंटली, कि आप ये कहते हो हम एक रोटेशन ले रहे हैं, तो एक रोटेशन का मतलब डिग्री में तो 360 डिग्री है, लेकिन रेडियन में यही चीज किसके इक्वल हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू द 2 पाई रेडियन। तो अब जो हम लोग 360 डिग्री आते थे पीछे या आगे जाते थे, डिपेंड करता था कि जो हमें एंगल दिया गया है, पहले वाला एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया गया है, क्लॉकवाइज मेजर किया गया है, वहां पे हम 360 या तो प्लस करते थे या तो 360 माइनस करते थे, वो पीछे रिवर्स होने के लिए। लेकिन अब हम वहीं पे अगर रेडियन में कैलकुलेशन, तो हम रेडियन में 2 पाई आइडिया सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपके पास 19 पाई बाई 3 है, और 19 पाई बाई 3 चूंकि एंगल पॉजिटिव है, एंगल पॉजिटिव होने का मतलब ये हुआ कि जो मेजरमेंट किया गया है वो रिफरेंस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया गया है। अब हम क्लॉकवाइज वापस आएंगे, अब क्लॉकवाइज वापस आने का मतलब 2 पाई आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे या माइनस 2 पाई ऐड करोगे, तो हम कहेंगे 19 पाई बाई आपका 3 है, तो माइनस 2 पाई करते हैं। ठीक है, जब माइनस 2 पाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 2 या 6, और 6 19 में से 6 गया, 19 से 6 गया, तो आपका कितना बच जाएगा, 13 पाई बाई 3। तो आप यहां से एक रोटेशन पीछे आए, आप फिर आपने 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर लिया इसमें, जब 2 पाई अगेन सब्ट्रैक्ट करोगे आप, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 2 या 6 और 13, कितना जाएगा आपका, 13 से 6 गया आपका 7 बचेगा, 7 पाई बाई 3। अच्छा, अभी भी ये 2 पाई से ज्यादा है, तो हम फिर 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जब 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 पाई बाई 3 हो जाएगा। इसका मतलब कि यहां पे क्या हुआ, हमारे पास ओरिजिनल एंगल जो था ये हमारा था पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब कितना हुआ, 60 डिग्री। तो ये आपका जो ओरिजिनल एंगल था 60 डिग्री था, सपोज ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने मान लिया ये 60 डिग्री हमारा है, लेकिन इस स्टेज पे ये आके 60 डिग्री बचा है। लेकिन इससे पहले क्या हुआ करता था, ये 60 प्लस हमारे पास कितना था, 7 पाई बाई 3 हुआ करता था, 7 पाई बाई 3 होने का मतलब कि ये हुआ करता था। ठीक है, और यहां पे क्या हुआ करता था, ये दो रोटेशन था, 60 तो था ही,
यहाँ के बाद ये एक कंप्लीट रोटेशन देन वन कंप्लीट रोटेशन, ये हुआ करता था। ठीक है, तो आप क्या हुए, आपने 2π सबट्रैक्ट किया। 2π सबट्रैक्ट करने का मतलब कि आप रिवर्स बैक हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब रिवर्स बैक हुए तो आपके पास एक रोटेशन कम हो गया यहाँ पे, फिर 2π आपने सबट्रैक्ट किया तो एक रोटेशन और कम हो गया। जब एक रोटेशन फाइनल आपके पास जो आ गया एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पहले भी था, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पाई बाई आपके पास 3 हो गया। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, इसको हम इक्वलेंटली एक ही बार में अगर लिखना चाहें तो हम लोग लिख लेंगे tan ऑफ 19π बाई 3 माइनस कितने रोटेशन हुआ, एक रोटेशन यहां हमने सबट्रैक्ट किया, दूसरा रोटेशन यहां सबट्रैक्ट किया और तीसरा रोटेशन यहां सबट्रैक्ट किया। इसका मतलब क्या लिखोगे, 3 × 2π हम पीछे हो गए। अब ये कितना हो गया 6π, और एलसीएम लोगे यहां पे तो 3 × 6 = 18 और 19 − 18 आपका 1π हुआ, या पाई कहेंगे हम लोग। तो ये हो गया tan π/3, और tan π/3 का मतलब कितना आ गया, दैट इज tan ऑफ कितना है 60 डिग्री, और 60 डिग्री वैल्यू होती है √3। तो इसकी वैल्यू आपकी आ गई √3। ठीक है, तो सिंपल है, चाहे रेडियन में हो या डिग्री में हो, अगर वो 360 से ज्यादा है तो हम लोग इजिली उसको क्या कर सकते हैं, ओवरकेम कर सकते हैं रिवर्स बैक करके। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन पहले दिया है तो हम एंटी क्लॉकवाइज आएंगे, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिया हुआ है तो हम लोग क्या आएंगे, क्लॉकवाइज आएंगे। और हम हर हाल में जो हमारा एंगल है उसको या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड, मतलब एंगल 360 से कम ले आएंगे, जितना कम हो सकता है।